नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्यों की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। रेत माफियाओं पर कसा शिकंजा, अजयगढ़ SDM कुशाल सिंह द्वारा की गई कार्यवाही। रेत माफियाओं पर कार्यवाही करते हुए SDM अजयगढ़ द्वारा मौके पर 2 LNT, 2 JCB और लगभग 30 ट्रक और डंपरों को घेरे बिना टेंडर का चल रहा था रेत का अवैध खनन एवं परिवहन दबाव बनाने पहुंचे कई रेत माफिया विवाद की संभावना के मद्देनजर बुलाई गई अतिरिक्त पुलिस। अजयगढ़ क्षेत्र के केन नदी में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करने वाले रेत माफिया के खिलाफ कई दिनों से मुहिम चल रहा है। SDM कुशल सिंह गौतम, पर्याप्त बल उपलब्ध न होने से SDM को रेत माफियाओं से खतरा हो सकता है। SDM कुशल सिंह गौतम ने भोर सवेरे बीरापुल के नीचे की घेराबंदी की। लंबे समय बाद रेत माफिया के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। भोर सवेरे 4 बजे से कार्रवाई चल रही है। अभी तक अजयगढ़ थाना पुलिस बल नहीं पहुंचा, केवल बीरा चौकी के 2-3 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। मामले को रफा दफा करवाने कुछ बड़े अधिकारियों नेताओं के द्वारा SDM पर दबाव बनाए जाने की जानकारी सामने आ रही है।